दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और ये मैं आई हूँ लोकल मार्केट अपने घर के नियरेस्ट, और यहाँ से मुझे लेनी थी कुछ स्वीट, क्योंकि मेरे भाई छोटे जो हैं वो चंडीगढ़ हैं और वो आ रहे थे, तो उनको काफ़ी स्वीट पसंद है, तो मैं आई थी उनकी पसंद की स्वीट लेने के लिए। और ये ब्लॉग जो है पिछले 3 दिन से पेंडिंग चल रहा है, आज मैंने सोचा कि मैं इसको कम्प्लीट कर लूँ। बिज़ी बहुत ज़्यादा थी, घर की जिम्मेदारियाँ और बाहर के बहुत सारे छोटे छोटे काम उनको ही निपटा रही थी, साथ में मेरा अपना इंडिविजुअल एग्जीबिशन का भी काम साथ चलता रहता है। और ये मैं आ गई शॉप के अंदर। रक्षाबंधन आने वाला है और मिठाइयाँ बहुत बिक रही हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि कहीं से भी जब मिठाई लें तो बहुत सोच समझ के और ध्यान से लें, अच्छी शॉप हो, अच्छी मिठाई हो, क्योंकि मिलावट बहुत ज़्यादा है जो कि हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक शॉप है हमारे बालको अपार्टमेंट में, और ये मिठाई यहाँ की बहुत फेमस है और काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे काफ़ी रश होता है, यहाँ के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं सब लोग यहीं से परचेज़ करते हैं। तो मैं भी कंफ्यूज थी कि मैं क्या लूँ। फाइनली मैंने रसगुल्ले, ब्लैक वाले जो काले जामुन होते हैं वो, और मलाई चाप वो लिया दोनों। और लेने के बाद फिर मैं बाहर आ गई, और देखिए ये है मार्केट। और उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और अब ये घर का डिनर जो कि मैंने अपनी एक रील में भी आपको शेयर किया था, और ये बना था वेज पुलाव, और आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है और उतना ही जायकेदार भी है। इसको खाने के बाद नॉनवेज पुलाव खाने आप भूल जाएंगे नॉनवेज का टेस्ट। इसमें वेज बिरयानी का ये पूरा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही जायकेदार बनता है। जल्दी ही मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन ये मैंने नहीं बनाया, ये मम्मी ने बनाया है। और साथ में था दही का रायता सलाद, और खाने में बहुत ही लजीज बना था। तो मैंने सोचा कि मैं दोस्तों आपको भी शेयर करूं अपने डिनर का पिक्चर, और ये रहा उसका एक छोटा सा वीडियो, आप देख सकते हैं। इसमें बड़ी हैं सोयाबीन की बरियां और हरे वाले मटर, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं अपने घर में, और ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसकी खुशबू यकीन मानिए कि घर के बाहर तक जाती है जब ये वेज पुलाव या वेज बिरयानी कह सकते हैं जब ये तैयार होती है। और इस मार्केट के पास में ही जो है मेरी सब्ज़ी की मार्केट है, ये शॉप आप देख सकते हैं, ये भाटिया स्वीट्स के नाम से है। और मैं आ गई सब्ज़ी की मार्केट। सब्ज़ी की मार्केट से मुझे लेने थे टमाटर, नींबू, धनिया, मिर्चा, लहसुन, अदरक, और आपको पता ही है कि हमेशा की तरह ये सब चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, और ख़ास करके आप देख सकते हैं जिनका हम डेली खाने में इस्तेमाल करते हैं। और ये एक छोटी सी बच्ची सब्ज़ी बेच रही थी, तो मैंने यहाँ से सब्ज़ी ली। और ये हाँ, दो बच्चे हैं कैट के, एक का नाम है मास्टर काजू, आप मेरी इंस्टाग्राम रील में इनको देख सकते हैं, और ये दूसरे जो हैं इनका नाम है लाल शेर। और ये दोनों ही बिल्ली ने 4 बच्चे दिए थे, जिसमें से एक बच्चा उसका कहीं चला गया या कोई उठा कर ले गया, और एक बच्चे को कल 1 हफ्ते पहले एक गाड़ी ने कुचल दिया। बहुत ही दर्दनाक कहानी है दोस्तों, मुझे बहुत इस बात का सदमा रहा। ये 2 बच्चे अब बचे हैं। उसके बाद मैं आ गई दरगाह शरीफ। ये दरगाह शरीफ कोटला में बनी है, मयूर विहार फेस 1 में, और अक्सर मैं यहाँ पे आती हूँ दुआ के लिए, और यहाँ पे मैंने बहुत ही मुझे सुकून मिलता है। लेकिन कोई आने जाने का वक्त फिक्स नहीं है, जब भी वक्त मिलता है, कभी दिन में, कभी रात में, कभी शाम को, जब भी मैं वक्त होता है मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आती हूँ और दुआ करती हूँ सबके लिए, और ख़ास करके उन मासूम लोगों के लिए जिनके सर पे किसी का साया नहीं है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। उनके ऊपर ज़रूर हर इंसान को हमदर्दी रखनी चाहिए, मोहब्बत की निगाह रखनी चाहिए, और उनको सहारे की ज़रूरत होती है। तो इस और दोस्तों अब हमारी वापसी हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मुलाकात होगी। टेक केयर।